कस्टम फॉर्मेटिंग, क्योंकि अगर आपने MRP 500 लिखा विजिबल तो हो जाएगा, बट इसके अंदर किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि जैसे टैक्स लगता है हो जा, जैसे यहाँ पे हम ए देते हैं नंबर के साथ टैक्स देते हैं, टैक्स हो जाता है और टैक्स पे किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं आपके साथ। तो मुझे यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ए है, कॉस्ट है, और कॉस्ट में मैं ये चीज़ सेम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया MRP, इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा MRP, और उसके बाद मैंने इसके आगे हमने इसको जीरो या हैश लगा दिया, एंटर प्रेस कीजिए। अब मैं यहाँ पे अमाउंट लिख के जैसे एंटर मारूंगा MRP 500 आपके सामने आ गया। अब इसमें जीरो या हैश डालना क्यों जरूरी है? देखिए, अगर इसमें आप जीरो या हैश नहीं डालते, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया MRP, तो इससे क्या होगा कि आपकी जस्ट MRP शो होगी, आपका डेटा जो है वो शो नहीं होगा, जस्ट क्या शो होगा MRP। तो आपको अगर नंबर शो करना है तो इसके आगे पीछे जीरो लगाना होगा। इसके अंदर भी चीजें होती हैं, जैसे यहां पे मैं एक काम करता हूं, बेसिकली क्या है कि मेरे पास प्लस में है, मतलब कि हम कॉस्ट देना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट में क्या है कि हमारे पास जो डेटा है, जैसे प्लस में 500 है, माइनस 600 है, सॉरी ये फॉर्मेटिंग सेम है, यहां पे डाल देता हूं, और यहां पे जीरो भी हो सकता है, और मान लीजिए कोई टेस्ट भी होता है, जैसे हमने एन कर दिया NIL, डेटा अवेलेबल नहीं है या कुछ भी ऐसा हमने कर दिया, तो यहाँ हम तीनों के लिए अलग अलग दे सकते हैं बिना कोई कंडीशन लगाए हुए, क्योंकि जब कस्टम फॉर्मेटिंग में यहाँ कोड लिखते हैं ना, तो तीन चार पार्ट होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एंड टेक्स्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इन्वर्टर कॉमा में MRP और इसके बाद जीरो दे दिया, तो ये क्या होगा, जितनी पॉजिटिव नंबर है उसमें MRP शो कर देगा। सेमी कॉलन दे के अगर मैंने बोला यहाँ पे कि DIS, यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में DIS डिस्काउंट, और फिर मैंने यहाँ पे जीरो दे दिया, तो जो निगेटिव नंबर होंगे वहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जीरो के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं फ्री, तो जहाँ जीरो होगा वहाँ फ्री हो जाएगा, फिर सेमी कॉलन लगा के एट द रेट देते हैं, और कुछ लिखना चाहते हो तो इन्वर्टर कॉमा में कुछ लिख सकते हो, और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव नंबर था उसके आगे क्या लग गया MRP, जो नेगेटिव नंबर्स था उसके आगे क्या लग गया DIS, और जो जीरो था वो क्या हो गया फ्री, राइट। इस तरह की चीज़ें हम शो कर सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट कहाँ होता है? तो चलिए एक छोटा सा हम आपको एक लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका ऑफिस में इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ जुलाई का अटेंडेंस डाउनलोड किया हुआ है, जुलाई महीने का अटेंडेंस, लेकिन ये अटेंडेंस ओवरली अटेंडेंस नहीं है, बेसिकली ये बायोमेट्रिक डेटा है, मतलब कि आप लोग जो ऑफिस में जाते हैं और अपना एक्सेस कार्ड या थंब लगा के आप अपना डोर वगैरह ओपन करते हैं उसका है। तो आपने कितना बार अपना एक्सेस कार्ड या थंब का इस्तेमाल किया है उसका लिस्ट यहाँ आ जा रहा है। तो जिसके आगे जीरो लगा हुआ है, जिसे यहाँ जीरो लगा है, इट मीन्स कि कविता ने अपना एक्सेस कार्ड या थंब मशीन में इस दिन डाला ही नहीं है, इट मीन्स वो अब्सेंट है। तो मुझे जीरो को अब्सेंट करना है और जो पॉजिटिव नंबर है उसको प्रेजेंट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे,
तो जैसे कि मैंने कस्टम में बताया कि पहला पार्ट होता है पॉजिटिव का, तो चलो मैंने यहाँ प्रेजेंट कर दिया, पी कर दिया, सेमी कॉलन को डालता हूँ। दूसरा पार्ट आता है निगेटिव का, तो निगेटिव जो है मेरा इसमें तो है ही नहीं, तो यहाँ निगेटिव को हम स्किप कर देते हैं और यहाँ पे हम जीरो के लिए एब्सेंट करते हैं, ठीक है। तो स्किप करने के लिए मैंने क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो जो पॉजिटिव नंबर आएगा उस पर बी देगा, निगेटिव पे कुछ नहीं देगा, ब्लैंक कर देगा, और जीरो पे ए देगा, एब्सेंट के लिए ए। ओके कीजिए, आपको यहाँ पे आ गया। अब इसमें कलर वगैरह भी दे सकते हैं, कलर जो होता है वो कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि रेड कलर हो जाए, रेड कलर हो जाए कब, जब एब्सेंट हो, तो बड़ी ब्रैकेट में रेड, ग्रीन, ब्लू, श्याम, मजेंटा, वाइट, ब्लैक डाल सकते हैं एंड ओके। तो ये आपके सामने कलर हो गया, लेकिन इसमें और ज्यादा कलर वगैरह डालना है तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आज और भी चीज, कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ चेक नंबर लिखना चाहता हूँ, तो चेक नंबर में मोस्टली तो चलो इस तरह का होता है तो हम लिख देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 001263 है, अब यहाँ जीरो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ कस्टम पे आएंगे और कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम जीरो दे देंगे। सिक्स टाइम जीरो लेके एंटर प्रेस कीजिएगा, तो अगर आपका सिक्स डिजिट का है तो जैसा वैसा दिख जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 7845 तो ऑटोमेटिकली जीरो लगा देगा। जी हाँ, क्योंकि हमने 6 बार जीरो डाला है तो जीरो को शो करेगा। अब इसी में मान लीजिए मैं मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ, तो मोबाइल नंबर में जनरली +91 के बाद नंबर लिखते हैं, तो मेरा +91 नहीं ले रहा है, दिक्कत करता है, इस तरह का हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हम +91 पहले दे देंगे, फिर 1 2 3 4 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जीरो भी लगा सकते हैं। कुछ लोग 10 जीरो लगाने लगते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, देखिए +91 ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, अब अकाउंट नंबर में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 डिजिट तो ले लेता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 12 डिजिट करते हैं तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। तो इसके लिए सिंपल एक है कि आप कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएं और सिर्फ एक जीरो या हैश डाल दें तो आपका अकाउंट नंबर पूरा दिखने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है हमारा 15 डिजिट तक ही शो करेगा, 15 डिजिट से जैसे ज़्यादा लिखेंगे वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेल में आप 15 डिजिट से ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, एक्सेल में आप 15 डिजिट से ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको कभी 18 नंबर 19 नंबर का लिखना पड़ जाए तो आप सिंगल कोड लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए, बट नॉन कैलकुलेटिव होगा। अगर सिंगल कोड नहीं लगाना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल में जाके इसको टेक्स्ट कर दीजिए, और टेक्स्ट करने से क्या होगा कि इस पर अब जो भी लिखाएगा वो हमारा टेक्स्ट ही होगा, जो भी हम टाइप करेंगे सब हमारा टेक्स्ट ही होगा। समझ आ रहा है महेंद्र जी आपको? महेंद्र जी, फिरोज जी, कुछ डाउट है आप लोगों को? जी नहीं सर, आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे एक चुप फैल करते हैं कि कस्टम फॉर्मेटिंग में कुछ लोग जीरो देते हैं एंड कुछ लोग हैश देते हैं, इसका क्या फंडा है?
देखिए जैसे कि यहाँ पे 1500 हमने टाइप किया, मैं चाहता हूँ कि इसके आगे पीछे कुछ लग जाए, जैसे मैं डी आर सी आर ही लगाना चाहता हूँ, तो अगर यहाँ पे आपने डी आर लिख के छोड़ दिया तो सिर्फ डी आर दिखेगा, लेकिन अब चाहते हैं कि डी आर के बाद इसकी वैल्यू आए तो यहाँ पे आपको जीरो या हैश देना होगा। एक डिजिट में अगर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं दो डिजिट कर दूँ, दो बार जीरो कर दूँ, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 5, तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, 0 5। क्या आ गया इसमें? 0 5, क्योंकि जीरो लग गया। मैं दो डिजिट को मेंटेन किया, बट हैश में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे 45 रुपये 65 पैसे लिख दिया। अब मैं कस्टम में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 0 हैश और यहाँ देता हूँ रुपीज और .00 यहाँ देता हूँ पैसे, एंटर प्रेस किया तो 45 रुपीज़ एंड 65 पैसा आ गया, 45 रुपीज़ एंड 65 पैसा। क्लियर है? यस। नहीं, अभी उसको न्यूमेरिक में कैसे करना है बोलिएगा सर? क्या न्यूमेरिक मतलब? आप लिखेंगे ऑटोमेटिक दिख जाएगा, यहाँ पे मैंने 78.50 किया आपने, आप दिख जाएगा सर। आपको टाइप न्यूमेरिक में करना है, हाँ, तो दिखा देगा वो डेसिमल से पहले रुपीज लगा देगा। अब यहाँ पे एक हैश एक जीरो क्यों दिया, यहाँ पे दो जीरो भी दे देंगे तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे मैंने 65 पैसे डाला तो ये 0 0 दिखाएगा। चलो तो ठीक है, दो डैश दे देता हूँ, दो डैश अगर आप इसमें देते हैं तो क्या होगा, तो दो हैश माफ कीजिएगा, सिर्फ रुपीज दिखेगा। ये भी गलत लग रहा है ना सर, इसलिए एक हैश और एक जीरो देते हैं ताकि अगर सिंगल कोट में है तो जीरो दिख जाए, अगर हमने यहाँ पे 1 to 5 के बीच में, 1 to 10 के बीच में लिखा है तो 0 5 दिखा दे, दो डिजिट मेंटेन कर दे। अब चलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ये है रुपीज है जो कि थाउजेंड्स में, तो यहाँ हम यूज करते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग में हैश कॉमा। अगर सिर्फ हैश कॉमा कर देते हैं तो ये रुपीज इन थाउजेंड हो जाता है, मतलब एक्चुअली में आपका 25,000 ही है, बट आपको विजुअल जो होगा सिर्फ 25 होगा। अगर मैं इस पर कुछ लगा तो सेपरेट से के लगा दिया, ये 1000 K दिख जाएगा, लेकिन अमाउंट बड़ा है, मिलियंस में है, तो इसके लिए हम दूसरा कोड यूज करते हैं, यूज करते हैं 0.00 और डबल कोट, 0.00 एंड डबल कोट, तो 13.69 आ रहा है। ठीक है, 6 5, क्लियर है? यस। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब बात आती है डेट, अब डेट लिख देते हैं कोई भी डेट, और हालांकि डेट की फॉर्मेट करने के लिए डेट में बहुत सारे फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, फिर भी कस्टम में जाके भी आप डेट कर सकते, दे सकते हो DDMMYY। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि मुझे इसमें डे भी चाहिए तो 3 बार डी कर दीजिए तो फ्राइडे सैटरडे आ जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 4 बार डी कर दूंगा तो फ्राइडे पूरा लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे मंथ में भी होता है कि 2 बार DDMM है तो मंथ दिख रहा है, 3 बार कर दूंगा तो ये आपका ये दिखेगा ऊपर, देखिए अगस्त दिखेगा, 4 कर दूंगा तो पूरा दिखेगा। तो ऐसे अपने हिसाब से आप जैसे मर्जी आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं। अब टाइम के लिए भी सेम होता है, जैसे मैं 45 घंटे 20 मिनट लिया, 30 मिनट ले लिया, अब मुझे इस आवर को बाकी टाइम के फॉर्मेट तो यहाँ है ही, बट कस्टम में इसको अगर मान लीजिए मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में MMM सिर्फ लिख दूंगा, नॉट MMM, लेकिन किस में? स्क्वायर ब्रैकेट में, एंटर प्रेस कीजिए, ये आपका आ जाएगा, लेकिन जस्ट विजुअल है, 2730 ओरिजिनल नहीं है। आप चाहते नहीं, मुझे ओरिजिनल चाहिए तो टेक्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, टेक्स्ट और टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर भी सेम रखते हैं।
ध्यान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कस्टम फॉर्मेटिंग तो जस्ट विजुअल दे रहा है, ओरिजिनल तो नहीं दे रहा है, लेकिन आपको एक्चुअली में ओरिजिनल भी चाहिए तो 27:30 का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है? तो क्लियर है? यस। तो ये आपका कस्टम फॉर्मेटिंग था, समझ में आया आप लोगों को कस्टम फॉर्मेटिंग? ऐसे और भी बहुत सारे कोड हो सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज हम वीवीए प्रोग्रामिंग में भी करते हैं, क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग में किसी तरह की फॉर्मेटिंग हमें चेंज करनी होती है तो वहां पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग जो है जस्ट नंबर और टेक्स्ट को करने की फॉर्मेटिंग है। इसमें एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कंपनी का नेम लिख रहा हूँ या एड्रेस लिख रहा हूँ, तो मुझे बार बार m/s लगा के और मुझे उसका नाम लिखना पड़ता है। तो आप यहाँ कर सकते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग में इन्वर्टेड कॉमा में m/s कर दीजिए और यहाँ पे एट द रेट लगा दीजिए। तो जीरो एंड हैश जो होता है वो हमारे नंबर्स के लिए होता है, लेकिन एट द रेट जो होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए IPT लिख के एंटर मारा, देखिए m/s ऑटोमेटिक लग गया। ऐसे ही हमारे पास एड्रेस है, तो एड्रेस में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। कस्टम में आ रहे हैं हम यहाँ पे और यहाँ हम लोग जो यूज करते हैं न्यू दिल्ली 110062। और फिर यहाँ पे हमने एट द रेट, नहीं पहले लगाना ना एट द रेट, सॉरी माफ कीजिएगा, एट द रेट। अब यहाँ पे जैसे मैंने पूजा, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने लिख देता हूँ F101 एंटरप्राइज किया, तो आपके सामने न्यू दिल्ली आ गया। जी हाँ, न्यू दिल्ली आपके सामने आ गया। उसी तरह से मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पासवर्ड है, क्या है पासवर्ड, तो पासवर्ड में मैं चाहता हूँ जो पासवर्ड है मेरा, उस पासवर्ड में मैं चाहता हूँ कि हैश स्टार स्टार दिखे, कोई पासवर्ड डालू तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट कस्टम में जाऊँगा और यहाँ पे दो बार स्टार डाल दूँगा। क्या डाला हमने दो बार स्टार। अब मैं यहाँ पे 1-2 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो आपके सामने आ जाता है स्टार में, ठीक है सर? ओके। स्टार के जगह मैं हैश चाहता हूँ, तो ये जो डबल स्टार किया है ना उसके जगह पे हैश दे दीजिए तो हैश आएगा, मतलब एक स्टार और एक हैश। स्टार पहला स्टार देना जरूरी है, बाकी उसके बाद जो करेक्टर डालना चाहो डाल सकते हो। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, नंबर डालता हूँ तो आएगा, टेक्स्ट डालते नहीं आएगा, टेक्स्ट नंबर डालूंगा नहीं आएगा। अब महेंद्र जी, दिस इज द योर रिसर्च, अब आपको मुझे रिसर्च करके इसका सॉल्यूशन देना है कि क्यों नहीं आ रहा है पासवर्ड सही से, ठीक है? तो सर ये टेस्ट है, टेक्स्ट टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिक है, तो इसमें स्टार और आप ऐसे तुक्का मत लगाइए, यू हैव ट्राई एंड अगेन टेल मी, ठीक है? ठीक है महेंद्र जी। हाँ सर।